पांच मॉडल भी करते हैं, तीन मॉडल भी करते हैं और 10 नो भी करते हैं। आज 12 मॉडल फेसलिफ्ट के लिए आया था। ओएम स्टाइल में गाड़ी तैयार की गई है जिससे आपका फील नहीं आता कि गाड़ी आपने फेसलिफ्ट करवाई है या जापान से इंपोर्ट करवाई है। कलर भी बिल्कुल सेम है जी। माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी आपने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैफ फ्रॉम ऑटो चैनल वन। व्यूअर्स, प्राडो 2012 मॉडल फेसलिफ्ट के लिए आया था ऑटो चैनल वन पे, जो कि एक और प्राडो फेसलिफ्ट कर दिया। पांच मॉडल भी करते हैं, तीन मॉडल भी करते हैं और 10 नो भी करते हैं। आज 12 मॉडल फेसलिफ्ट के लिए आया था, इस पर बात करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, टोटल इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है और कैसे कैसे इसमें काम हुआ है। पर्ल वाइट प्राडो मेरे सामने खड़ा है, जो कि प्रॉपरली पेंट इसका फेसलिफ्ट कर दिया गया है। इसकी OEM स्टाइल में प्रॉपर फेसलिफ्ट की गई है, जो कि जिसको लाइट भी इसको ओरिजिनल स्टाइल पर लगाई गई है। जापान वाली गाड़ी को भी यही लाइट्स लगती हैं और उसकी और उसके साथ साथ इसकी साइड्स की उसके साथ साथ इसकी फ्रंट की ग्रिल भी OEM स्टाइल में लगाई गई है, जो कि जापान वाली गाड़ी को ये लगती है। कस्टमर रिक्वायर्ड पर ये OEM स्टाइल में गाड़ी तैयार की गई है जिससे आपका फील नहीं आता कि गाड़ी आपने फेसलिफ्ट करवाई है या जापान से इंपोर्ट करवाई है। ये कस्टमर्स अपने घर जाके या अपने फ्रेंड्स को ये भी कह सकते हैं गाड़ी मैंने जापान से इंपोर्ट करवाई है। इसका बोनट चेंज हुआ है, बोनट का आपको पेंट दिखाई दे तो पर्ल वाइट पेंट इसका बहुत इसके जो ओरिजिनल 070 पेंट नंबर इसका कंप्यूटर पे मैच किया गया। प्रॉपर बॉडी के साथ इसका फाइन क्वालिटी में पेंट इसका कलर मैच हो चुका है इस टाइम। साइड फेंडर इसके चेंज किए गए हैं, जो कि प्रॉपरली गाड़ी के साथ फिटिंग पे लाइन टू लाइन और अपनी जगह पे प्रॉपर इसकी लाइट्स बैठी हुई है। फ्रंट इसकी बॉडी किट पर बात करें, जैसे आपको हर वीडियो में बताते हैं, बॉडी किट इसको भी लाइट वाइज लगाई गई है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी पे भी और डिज़ाइन पे भी। जो कस्टमर से बात करते हैं वो पूरी करते हैं। हेडलाइट इसको इंडिकेटर पे जो ऑरेंज ऑन होती है और उसके साथ पार्किंग के उसके ऊपर वाइट ऑन होती है। चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, साइड पे इसका क्या क्या चेंज हुआ है। मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ, इसका साइड फेंडर, ये साइड फेंडर का मिरर होता है, जो कि आपको पार्किंग के लिए, इसको पार्किंग मिरर भी बोलते हैं, फ्रंट से और आपको, क्योंकि ड्राइवर तो राइट साइड पे होते हैं, ये आपको फ्रंट और आपका लेफ्ट भी दिखा रहा होता है प्रॉपरली गाड़ी पार्किंग के लिए। इसको पार्किंग मिरर भी बोलते हैं, कुछ लोग फेंडर मिरर भी बोलते हैं। अच्छी और आम मार्केट में होता है क्या, जो हल्का पार्ट्स होगा उसको ये फेंडर मिरर नहीं लगता। जो ऑटो चैनल वन पे जो पार्ट्स मिलेंगे उसको फेंडर मिरर भी लगेगा और आपकी ओरिजिनल जैसे जापान से गाड़ी आती सेम वो बनेगी। साइड पर चलते हैं, साइड पर इसका क्या क्या चेंज हुआ है। साइड से इसकी डोर्स की मोल्डिंग चेंज की गई है, जो कि नए मॉडल में फुल क्रोम में आते हैं, इसको फुल क्रोम की मोल्डिंग लगाई गई है। उसी के साथ इसके साइड स्कर्ट्स भी थे, साइड स्कर्ट्स इनके कस्टमर्स के लगे हुए थे ऑलरेडी, इनको पेंट किया गया, एक फ्रेश लुक में इसको नया किया गया। साइड से उन्होंने डोर मोल्डिंग किया, रूफ रेल्स इनकी पहले लगी हुई थी, एयर प्रेसेस लगे हुए थे ऑलरेडी। ये चीज़ें जो चीज़ें लगी होती है वो कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं कि जो आपकी चीज़ें लगी हुई हैं वो चेंज करवाने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं करते। बैग पे चलते हैं, बैग पे क्या क्या इसका चेंज हुआ है। बैग पे आ गए हैं, बैग पे बात करते हैं, बैग पे क्या क्या हुआ है। आपको जैसे बताया OEM स्टाइल में सारी गाड़ी तैयार हुई है, तो बैग पे भी इसकी बैक लाइट, जो कि जापान संभल में जो लाइट आती है वही इसको बैक लाइट लगाई गई है। कहीं पे भी बैक लाइट में बात करें तो इसमें कहीं पे भी इसका किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, कोई एक्स्ट्रा गैप जो गाड़ी में होते हैं। अक्सर चाइना पार्ट्स में बहुत से फ़र्क नज़र आ रहे होते हैं, जो कस्टमर्स भी कहते हैं कि चाइना का सामान बहुत ही जो उनसा ना वो रफ होता है, बट ऑटो चैनल वन पे जो सामान आपको मिलेगा ए क्लास क्वालिटी में मिलेगा, ताकि आपकी गाड़ी पे किसी किस्म का कोई फ़र्क और कोई जजमेंट ना हो सके गाड़ी फेसलिफ्ट है। इसका बम्पर चेंज किया गया, उसके साथ साथ इसकी बैक की बॉडी किट चेंज की गई, बैक की बॉडी किट इसको भी ड्यूल एग्जॉस्ट में लगाई गई है, जो कि आपके लेफ्ट पे भी एंड राइट पे भी एग्जॉस्ट होते हैं। और उसके साथ साथ आपको दिखाते जाएँ बम्पर्स की डिक्की के साथ लाइन अलाइनमेंट प्रॉपरली बैठी हुई है, और साइड से भी आपको बम्पर का दिखाएं तो प्रॉपरली बॉडी के साथ इसका बम्पर बैठा हुआ है। मड फ्लैप भी लगाए देते हैं, जो कि बॉडी के साथ थोड़े एक्स्ट्रा मड फ्लैप आते हैं वो भी इसको लगाए गए हैं। उसके साथ बात करते हैं बैक की गार्निश, जो कि आपको पता है ऑटो चैनल वन पे हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। इसकी बैक गार्निश भी 18 मॉडल में 18 टू 23 तक जो आती है वो इसको लगाई गई है। नीचे वाला पार्ट भी लगाया गया, ऊपर वाला इसको क्रोम भी लगाया गया। एज इट इज़ इसका अंदर से मे बी इसका सिर्फ स्टेयरिंग चेंज हुआ, टेस्ला उनका लगा हुआ था, स्टेयरिंग भी चेंज किया गया। स्टेयरिंग पे बात करते हैं, उसके बाद फिर कस्टमर रिव्यू की तरफ चलते हैं। इंटीरियर पे देखते हैं भाईजान इसका क्या चेंज कर दिया गया। आपको जैसे बताया इंटीरियर का इसका स्टेयरिंग चेंज किया 18 मॉडल का, 18 टू 23 तक अभी एक ही शेप चल रही है, तो 18 बोल लें या 20 बोल लें या 23 बोल लें एक ही बात है। इसका ओरिजिनल इसको स्टेयरिंग लगाया, जो कि ओरिजिनल लेदर पे स्टेयरिंग है। प्रॉपर इसके मल्टी मीडिया फंक्शंस, इसके मीटर के फंक्शन सब ऑपरेट है। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं आम मार्केट में स्टेयरिंग पे मैं बात आपको बताता जाऊँ, आम मार्केट में जो चलता है वो चलता है कि आपका लेफ्ट सिर्फ मल्टी मीडिया चलाते हैं, बट ऑटो चैनल वन के ऊपर
आपका राइट मल्टीमीडिया भी चलाते हैं, राइट साइड भी, जो कि आपके मीटर से जिसका कनेक्शन होता है। मैं आपको दिखाता चाहूँ तो ये मैं राइट साइड इसका पुश कर रहा हूँ और मीटर में भी मोड चेंज हो रहा है। आगे करें, ज़रा आगे करके दिखाएं कैमरे में, ये मैं राइट साइड पुश कर रहा हूँ और ये मीटर पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं इसके। इसका किलोमीटर बताता है, ये इसका माइलेज बता रहा होता है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, ये टाइम बता रहा है। तो कहने का मकसद ये है, ये इसका यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। कहने का मकसद ये, ऑटो चैनल वन पे आपको हर चीज़ मिलती है, जो जो गाड़ी के अंदर फंक्शन है सब प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ गाड़ी की डिटेलिंग इसकी भी की गई है, इसकी प्रॉपर, इसकी जो डोर के पोशिश हैं तो ओल्ड ही, क्योंकि ओल्ड में और 12 मॉडल में और लेटेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से ये वही रहने देते हैं। इसको वुडन प्लेट्स लगाई गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी के इंटीरियर में एक ज़रा अच्छी लुक दे देता है। उसी के साथ साथ चलते हैं कस्टमर रिव्यू पे, फिर देते हैं एंडिंग। तो व्यूअर्स, गाड़ी का रिव्यू तो हमने कर लिया, अब कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर आ गए, इनसे पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑटो चैनल वन पे काम करवा के। बात करते हैं अपने क्लाइंट से, अफाक बाजवा भाई जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनसे बात करेंगे इन्हें कैसा यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी का? जी माशाल्लाह, गाड़ी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी आपने बनाई है, तैयार की है। आपको तीन चार दिन बोले थे पर वो कोई ज़्यादा एक दो दिन ऊपर लग गया था। हाँ, वो आपने एक दो दिन ऊपर किया, लेकिन ये है कि वो बेहतर हो गया, डिटेलिंग आपने बाद में ऐड करवाई। बिल्कुल बाद में, व्यूअर्स हमने नहीं वो लेट किया, डिटेलिंग भाई ने लास्ट पे ऐड करवाई थी कि डिटेलिंग भी मेरी गाड़ी को जैसे आप करके देते हैं इस पे भी करवा के दे। तो भैया ना, आपका पेंट पे कैसी क्वालिटी में इसका? माशाल्लाह कलर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो गाड़ी माशाल्लाह बहुत आपने खूबसूरत मैच गाड़ी बनाई है, बिल्कुल मैच किया आपने। ठीक है, जो आपको बात की थी फर्स्ट टाइम पे जैसे जैसे जो चीज़ बोली थी वो ऐसी ही है? जी माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह आप अपनी बात पर बिल्कुल कायम रहे हैं। डील में कोई फर्क तो नहीं आएगा भाईजान? ये भी चीज़ भी लगी थी, कोई एक्स्ट्रा पैसे? नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो भी था वो सामने गाड़ी पसंद नहीं थे। गाड़ी पसंद माशाल्लाह बहुत पसंद आई है। तो व्यूअर्स, बाजवा साहब को गाड़ी पसंद है, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है कि कस्टमर सेटिस्फाई है। तो आप भी अपनी किसी गाड़ी को काम करवाना चाहते हैं, किसी ओल्ड मॉडल को या न्यू मॉडल को फेस लिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो अभी ऑटो सेलमैन पे विजिट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नहीं भाईजान, थैंक यू। ओके, अस्सलाम।